तो कहानी की शुरुआत काफी सारे रकून्स को दिखाते हुए होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उनमें से एक रकून को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुनता है और हम इस सीन को देखकर समझ पाते हैं कि ये रॉकेट की जिंदगी के फ्लैशबैक का सीन है। इसके बाद कहानी अभी के टाइम यानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाती है और यहाँ पर हम रॉकेट के साथ गार्डियंस की पूरी टीम को नोवेयर नाम की एक जगह पर देखते हैं, जिसमें गरुट, नेबुला, ड्रैक्स, मेंटिस, क्रैगलिन, कॉस्मो और पीटर थे। लेकिन पीटर गमोरा को खोने के दुख में हमेशा नशे में धुत रहता था। दरअसल एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट की वजह से प्रेजेंट समय की गमोरा मर गई थी और उसकी जगह पास से आई गमोरा ने ले ली थी। पर ये गमोरा बिल्कुल ही अलग थी क्योंकि वो पीटर या गार्डियंस को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, बाकी वो इनके साथ भी नहीं थी। फिलहाल इन्हीं सब के बीच वहाँ पर स्पेस से उड़ते हुए एडम वॉरलॉक नाम का एक शख्स आता है, जो आते ही रॉकेट पर हमला कर देता है क्योंकि वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया हुआ था। मगर रॉकेट को उसके दोस्त के होते हुए ले जाना आसान नहीं था, इसलिए एक एक करके नेबुला, मेंटिस, ड्रैक्स, पीटर और ग्रूट उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन एडम उन सभी पर अकेला ही भारी पड़ रहा था और इस बीच वो रॉकेट को इतना जोर से मारता है कि रॉकेट बुरी तरह घायल हो जाता है, जिसे बचाने में बाकी सभी लोग लग जाते हैं। और यहाँ नेबुला को एडम पर इतना गुस्सा आता है कि वो अपने एक हाथ को एक तलवार में बदल कर पीछे से एडम के फेफड़ों में घुसा देता है। यहाँ क्योंकि रॉकेट की हालत बिगड़ती जा रही थी तो सभी का ध्यान उस पर था, जिस कारण घायल एडम को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। वहीं इधर पीटर रॉकेट को ठीक करने के लिए उस पर एक मशीन लगाता है, जिससे रॉकेट को और भी ज्यादा दिक्कत होने लगती है, तो उस मशीन को तुरंत ये लोग निकाल देते हैं। यहाँ नेबुला रॉकेट की पूरी बॉडी को स्कैन करके बताती है कि रॉकेट के अंदर एक तरह का किल स्विच मौजूद है, जिसकी वजह से अगर कभी रॉकेट को ठीक करने की कोशिश की गई तो उससे रॉकेट मारा जाएगा। ये किल स्विच रॉकेट के अंदर उसको बनाने वाले ने लगाया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई रॉकेट के शरीर में किसी भी तरह का कोई बदलाव करे, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो इससे रॉकेट की मौत हो जाएगी। इसलिए अब पीटर फैसला करता है कि वो उस जगह जाकर इस किल स्विच के डेटा को चुरा कर लाएगा, जहां रॉकेट को बनाया गया था। यहां पीटर किल स्विच के डेटा से उसे हैक करना चाहता था, लेकिन गरुड़ को रॉकेट के पास छोड़कर सभी ऑर्गोस्कोप नाम के ग्रह की तरफ निकलते हैं, जहां रॉकेट को बनाया गया था। दूसरी तरफ हमें सोवरेन प्रजाति की रानी आयशा को दिखाया जाता है, जिसने हाई एवोल्यूशनरी नाम के आदमी के कहने पर अपने बेटे एडम को रॉकेट को लाने के लिए भेजा था, पर वो नाकामयाब रहा। इसलिए हाई एवोल्यूशनरी आयशा को धमकी देता है कि अगर तुमने रॉकेट को मुझ तक नहीं पहुंचाया, तो मैं तुम्हारी सॉवरेन प्रजाति को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। दरअसल हाई एवोल्यूशनरी अलग अलग ग्रह के जीवों को लेकर उन पर एक्सपेरिमेंट्स करता है, ताकि वो ऐसी दुनिया बना सके जिसमें रहने वाली प्रजाति हर तरह से एकदम परफेक्ट हो। और हाई एवोल्यूशनरी ने ही रॉकेट को ऐसा बनाया था जैसा कि वो आज है, जिसे अभी तक रॉकेट के जिंदा होने की खबर नहीं थी। पर जैसे ही उसको रॉकेट के बारे में पता चलता है, तो अब उसे रॉकेट किसी भी कीमत पर चाहिए, क्योंकि रॉकेट उसकी बनाई गई सभी क्रिएशंस में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसी के साथ कहानी रॉकेट के फ्लैशबैक में जाती है, जहां उसे बैच नंबर 89 में कुछ और जानवरों के बीच रखा जाता है, और यहां रॉकेट की मुलाकात लायला, फ्लोर और टिफी से होती है, जो सब जल्दी ही एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पर रॉकेट का कोड नेम 89P13 था, जिसके साथ कहानी फिर से वापस प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ हम गार्डियंस को देखते हैं जो ऑर्गोस को पहुँच चुके थे। और जब ये लोग उस ग्रह में घुस ही रहे होते हैं, तभी इनके शिप में रेवेजर्स घुस आते हैं, और यहाँ हमें पता चलता है कि गमोरा असल में रेवेजर्स के साथ मिलकर काम कर रही है, और नेबुला इस बारे में जानती थी, इसलिए उसने रेवेजर्स को यहाँ बुलवाया ताकि पैसों के बदले गमोरा इस ग्रह के अंदर घुसने में उनकी मदद करे। इसलिए यहाँ से गमोरा इन लोगों को लेकर ऑर्गोस्कोप में दाखिल होती है। इसी के साथ हमें फिर से रॉकेट के फ्लैशबैक की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ बीतते हुए समय के साथ रॉकेट काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका था। इसलिए एक दिन हाई एवोल्यूशनरी उसे अपने सपने के बारे में बताता है कि वो काउंटर अर्थ नाम की एक ऐसी दुनिया बसाना चाहता है, जहाँ उसके द्वारा बनाई गई प्रजाति शांतिपूर्वक रह सके। यहाँ वो रॉकेट के सामने एक कछुए को इवॉल्व करके दिखाता है, लेकिन ये जानवर इवॉल्व होते ही काफी ज्यादा बौखलाए हुए थे, जिसे देख रॉकेट एक बार में ही बता देता है कि अगर इन जानवरों को इवॉल्व करते वक्त उनके दिमाग में एक खास केमिकल को बनने से रोक दिया जाए, तो उनके अंदर का गुस्सा शांत हो जाएगा। यहाँ रॉकेट की ये समझदारी देखकर हाई एवोल्यूशनरी काफी ज्यादा हैरान था। और इसी के साथ कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में गार्डियंस की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जहाँ गमोरा, पीटर और बाकी सभी मेन हेडक्वार्टर में दाखिल हो जाते हैं, जहाँ किसी तरह से ये लोग सभी से बचते बचाते और एक लड़की को डरा कर रॉकेट की डेटा फाइल को हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले ये लोग यहाँ से निकल पाते, वहाँ के सिपाही इन पर हमला कर देते हैं। मगर यहाँ काफी चालाकी से पीटर उन सभी को ग्रेविटी जीरो करके सभी सिपाहियों को हवा में लटका देता है, और इन्हें यहाँ से निकालने के लिए गरुड़ भी शिप लेकर पहुँच चुका था, जिसमें बैठकर ये सभी वहाँ से सही सलामत निकल जाते हैं। वापस आते ही ये सभी जब उस डेटा को चेक करते हैं, तो इन्हें
पता लगता है कि इनके वहां से डेटा ले आने के पहले ही हाई एवोल्यूशनरी के एक साइंटिस्ट थील ने रॉकेट के किल स्विच के पासवर्ड को डिलीट कर दिया था, जो इस वक्त हाई एवोल्यूशनरी के साथ काउंटर अर्थ पर है। यहां ये साफ था कि हाई एवोल्यूशनरी खुद चाहता था कि ये लोग उसके पास आएं ताकि वो अपने मकसद में आराम से कामयाब हो पाए, लेकिन पीटर अपने दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसलिए गैमोरा को छोड़कर बाकी सभी लोग काउंटर अर्थ पर जाने का फैसला करते हैं। यहां गैमोरा सभी को ये पागलपन करने से रोकती है क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी बहुत ही खतरनाक आदमी है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और ये लोग काउंटर अर्थ की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आयशा और एडम ने रेविजर्स के एक आदमी को पकड़कर सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो गैमोरा का पता नहीं बता रहा था। हालांकि इसी बीच गैमोरा खुद उस आदमी को कॉल करके अपनी लोकेशन बता देती है, जिस कारण आयशा एडम और अपने एक और सिपाही को गैमोरा के पास से रॉकेट को लेने के लिए भेजती है। इसी बीच हमें रॉकेट के बचे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रॉकेट के बचे तरीके को आजमाने से सच में जानवरों के अंदर का गुस्सा खत्म हो चुका था, पर इस बात से खुश होने के बजाय हाई एवोल्यूशनरी काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उससे ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि जिस रॉकेट को उसने बनाया वो उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट को बताता है कि मैं तुम्हारे दिमाग की मदद से अपने अगले प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा बेहतर बनाऊंगा, और साथ ही वो ये भी कहता है कि बैच 89 हमेशा से एक टेस्ट बैच था, तुम लोग मेरी नई दुनिया का हिस्सा नहीं होगे, जिसका मतलब हाई रेवोल्यूशनरी रॉकेट का दिमाग निकालने के बाद उसके साथ लायला, फ्लोर और टीव्स को जान से मार दिया जाएगा। इस कारण रॉकेट उन सभी को ये बताता है और वो सभी को लेकर यहाँ से चुपचाप भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही रॉकेट बाहर निकलता है तो हाई एवोल्यूशनरी उसे पकड़ लेता है और यहाँ हाई एवोल्यूशनरी तुरंत लायला को जान से मार देता है, जिससे रॉकेट बुरी तरह टूट जाता है और वो बौखलाकर हाई एवोल्यूशनरी के चेहरे को बुरी तरह से नोचने लगता है और फिर वो हाई एवोल्यूशनरी के आदमियों को भी मार देता है। पर क्रॉस फायर में रॉकेट के बाकी दोनों दोस्त भी मारे जाते हैं। ये देख रॉकेट एक शिप को चोरी करके वहाँ से भाग निकलता है। यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि आखिर रॉकेट ऐसा क्यों बना जैसा वो आज है। इसी के साथ ये सीन यहाँ से शिफ्ट होकर प्रेजेंट सीन में आता है और हम गार्डियंस की टीम को काउंटर अर्थ पर देखते हैं, जो जगह बिल्कुल हमारे अर्थ की तरह ही थी। फर्क था तो बस यहाँ के लोगों में, जिन सबको हाई एवोल्यूशनरी ने क्रिएट किया था। इस कारण ये सभी काफी अलग दिख रहे थे। ये सभी गार्डियंस की टीम को काफी अजीब तरह से देख रहे होते हैं और ड्रैक्स एक बच्चे के साथ खेलने के चक्कर में उसे बॉल मारकर गिरा देता है, जिस कारण सभी उन्हें पत्थर मारने लग जाते हैं। और ये सब देख गरुट अपने आप को बड़ा करके उन सभी को डराकर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर उन सभी को रोकता है और इस ग्रह के लोगों से कहता है कि वो यहाँ अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए आए हैं। यहाँ उसकी इस बात को एक फैमिली समझती है और वो पीटर, नेबुला और गरुट को हाई एवोल्यूशनरी तक पहुँचाने के लिए अपनी कार भी देती है। इस दौरान पीटर ड्रैक्स और मेंटिस को वहीं उसके वापस लौटने का इंतजार करने के लिए कहता है। दूसरी साइड वॉरलॉक रॉकेट को लेने गैमोरा के पास शिप पर पहुंच चुका था। रॉकेट को ले जाता देख ना चाहते हुए गैमोरा वॉरलॉक से लड़ने की कोशिश करती है। इस ओर पीटर और गरुड हाई एवोल्यूशनरी के पास पहुंचते हैं, जो उन्हें देखते ही अपने लोगों से उन पर हमला करने के लिए बोलता है और यहाँ पर गरुड और पीटर काफी बहादुरी से लड़ते हैं। इसी दौरान हाई एवोल्यूशनरी अपनी शिप यहाँ से ले जाने लगता है क्योंकि वो रॉकेट के दिमाग के जरिए एक दूसरी दुनिया बनाना चाहता था जिसमें सभी परफेक्ट होंगे। इसीलिए हाई एवोल्यूशनरी काउंटर अर्थ को तबाह करने का फैसला करता है, जिससे इस ग्रह में सभी जगह बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं, जिन धमाकों की वजह से गैमोरा से लड़ रहे एडम के सामने ही उसकी माँ आयशा मारी जाती है। और मौका देखकर गैमोरा रॉकेट के साथ दूसरी शिप के जरिए पीटर और बाकी सबको बचाने के लिए निकलती है, क्योंकि ड्रैक्स और मेंटिस को पीटर और गरुड की चिंता हो रही थी, इसलिए वो नेबुला के साथ पीटर को बचाने के लिए हाई एवोल्यूशनरी की शिप पर चढ़ जाता है। इसी दौरान पीटर और गरुड थील को लेकर नीचे कूद जाते हैं, जिसके बाद पीटर थील से वो पासवर्ड हासिल कर लेता है। इसके बाद वहाँ गैमोरा इन्हें बचाने के लिए पहुँचती है क्योंकि ये पूरा ग्रह खत्म हो रहा था और समय रहते ये लोग वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। मगर दूसरी तरफ नेबुला, ड्रैक्स और मेंटिस बुरी तरह फंस चुके थे क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी का ये शिप अब स्पेस में पहुँच गया था, जिस वजह से तीनों को ही सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और ये देख ड्रैक्स अपनी पूरी ताकत लगाकर शिप के एक तरफ के दरवाजे को तोड़ देता है, जिससे इन सभी की हाई एवोल्यूशनरी के शिप में एंट्री हो जाती है। इसी बीच पीटर और गैमोरा जल्दी से उस पासवर्ड को डालकर रॉकेट के अंदर के किल स्विच को हैक करने की कोशिश करते हैं, जो पहले तो काम नहीं करता है और रॉकेट की सांस रुक जाती है। यहाँ गैमोरा पीटर को अपने दोस्त के लिए काफी ज्यादा परेशान होता हुआ देखती है और पीटर की कोशिशों की बदौलत रॉकेट की सांसें वापस आ जाती है, जिस चीज को देखकर गैमोरा भी काफी खुश होती है क्योंकि रॉकेट को होश आ चुका था और अब वो पूरी तरीके से ठीक था। फिलहाल दूसरी तरफ नेबुला, ड्रैक्स और मेंटिस को वहाँ काफी सारे बच्चे मिलते हैं, जिन्हें हाई एवोल्यूशनरी ने इसलिए यहाँ रखा था क्योंकि वो इन सबको अपनी नई दुनिया के लिए तैयार कर रहा था। इन सभी में सिर्फ
यही कमी थी कि ये रॉकेट की तरह समझदार और इंटेलिजेंट नहीं थे। शायद यही वजह थी कि हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट को वापस पाने के लिए इतना पागल था। यहाँ जब तीनों ही बच्चों से मिल ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पीटर नेबुला को कॉल करता है, जिसमें पहले तो नेबुला बताती है कि हम तीनों तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आए थे और फंस गए। इसी बीच नेबुला, ड्रैक्स और मेंटिस उस कॉल पर रॉकेट की आवाज सुनते हैं और ये जानकर कि वो सही सलामत है, सभी रो पड़ते हैं कि तभी अचानक से हाई एवोल्यूशनरी वहाँ आ जाता है और तीनों को ही कैद कर लेता है। साथ ही वो पीटर को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम अपने दोस्तों को सही सलामत देखना चाहते हो तो रॉकेट को मेरे हवाले कर दो। इसी के साथ पीटर गरुड और रॉकेट सहित गमोरा के साथ अपने दोस्तों को बचाने का फैसला करता है। यहाँ पीटर नोवेयर क्रैगलिन से संपर्क करके कहता है कि मुझे अपने दोस्तों को बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, जिसके लिए क्रैगलिन तुरंत राजी हो जाता है। इधर रास्ते में रॉकेट, गमोरा, पीटर और गरुड को हाई एवोल्यूशनरी के कुछ छोटे हमलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसी बीच एडम आकर गमोरा और इन सभी पर हमला कर देता है क्योंकि वो अपनी माँ को खोकर काफी दुखी था, पर यहाँ उसे कोई खास नुकसान नहीं होता। इसलिए पीटर शिप को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में डालकर गमोरा के साथ उसमें से बाहर कूद जाता है और पूरी शिप जलकर खाक हो जाती है, जिसमें एडम भी मौजूद था। यहाँ हाई एवोल्यूशनरी अपने बनाए हुए कई सारे खतरनाक क्रीचर्स को आजाद कर देता है, जिनका सामना सबसे पहले ड्रैक्स, नेबुला और मेंटिस करते हैं, लेकिन उन क्रीचर्स को देखकर जल्द ही मेंटिस को समझ आ जाता है कि ये उल्टा इन्हीं लोगों से डरे हुए हैं। बाकी मेंटिस उन्हें किसी तरह शांत करवाती है। साथ ही पीटर भी सभी के साथ हाई एवोल्यूशनरी की शिप में दाखिल हो चुका था, जिससे शिप के दाहिने तरफ के हिस्से में काफी बड़ा होल हो जाता है, जिससे शिप नष्ट होती जा रही थी। इसलिए हाई एवोल्यूशनरी के लोग उसे गार्डियंस के खिलाफ लड़ने से रोकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सभी मारे जाएंगे। लेकिन हाई एवोल्यूशनरी का दिमाग इस वक्त तक पूरी तरह से खराब हो चुका था, इसलिए वो एक झटके में सभी को मार डालता है और इसके बाद वो इस शिप के अलग अलग क्रीचर्स और सिपाहियों को रॉकेट को छोड़कर बाकी सभी को मारने का आदेश देता है। दूसरी ओर मेंटिस, ड्रैक्स और नेबुला पीटर को मिल जाते हैं, जिसके बाद पीटर सभी से निकलने के लिए कहता है, पर मेंटिस उससे कहती है कि हमें अभी उन सभी बच्चों और क्रीचर्स को यहाँ से निकालना होगा, नहीं तो शिप के ब्लास्ट होते ही वो सभी मारे जाएंगे। इसलिए सभी मिलकर आगे बढ़ते हैं और यहाँ उनका सामना काफी अलग और खतरनाक क्रीचर्स से होता है, जिन्हें हाई एवोल्यूशनरी ने इन्हें मारने के लिए भेजा था। यहाँ हम गार्डियंस की पूरी टीम को एकजुट होकर काफी बेहतरीन ढंग से उनका सामना करते हुए देखते हैं, जिन सबको मार देने के बाद गार्डियंस बच्चों और मासूम क्रीचर्स को आजाद कराने में लग जाते हैं। वहीं इधर नोवेयर में भी हाई एवोल्यूशनरी हमला करवा देता है, जिसमें क्रैगलिन एक एरो की मदद से सबको पल भर में मार गिराता है, जिसके तुरंत बाद वो पीटर के कहने पर पूरे नोवेयर को हाई एवोल्यूशनरी की शिप से जोड़ देता है, ताकि सभी बच्चे और क्रीचर्स को आराम से वहाँ शिफ्ट किया जा सके। इसी बीच रॉकेट और लोगों को निकालने के लिए शिप के और अंदर चला जाता है, जहाँ वो काफी सारे रकून्स और बाकी जानवरों को देखकर थोड़ा दुखी हो जाता है और यहाँ पे उसे अकेला पाकर हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट पर हमला कर देता है। वो रॉकेट को इधर से उधर कई बार पटकता है, लेकिन रॉकेट जल्दी खुद को संभालता है और उसपे वार कर देता है, जिससे हाई एवोल्यूशनरी एकदम से बौखलाकर रॉकेट की तरफ बढ़ता है। लेकिन तब तक वहाँ पर गार्डियंस की पूरी टीम आ चुकी थी। यहाँ वो सभी हाई एवोल्यूशनरी को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देते और एक के बाद एक उस पर वार करते जाते हैं, क्योंकि वो सभी इतना तो समझ चुके थे कि अगर उन्होंने हाई एवोल्यूशनरी को दूसरा मौका दिया तो वो अकेले ही सभी गार्डियंस को खत्म कर सकता था। यहाँ गमोरा एवोल्यूशनरी का मास्क निकाल फेंकती है, जिसके पीछे वो अपना घिनौना चेहरा छिपाता था, जिसे रॉकेट ने ही बिगाड़ा था। शायद इसी वजह से हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट से नफरत करता था। यहाँ सभी उसे इसी खत्म हो रही शिप में अकेला छोड़कर रॉकेट के कहे मुताबिक सारे जानवरों को निकालने में लग जाते हैं, जिस दौरान कॉस्मो अपनी टेलीकाइनेसिस की पावर से नोवेयर और शिप को जोड़े हुए था, पर आखिर में वो थक जाती है और शिप के ब्लास्ट होने के साथ पीटर भी वहीं फंस गया था। यहाँ वो स्पेसशिप में ही रह जाता है, लेकिन यहाँ एडम पीटर को बचा लेता है, क्योंकि जब पीटर ने उसे शिप ब्लास्ट करके मारने की कोशिश की तो वहाँ वो काफी ज्यादा घायल हो गया और उस वक्त उसकी जान गरुड ने बचाई, क्योंकि उसका मानना था कि हर किसी को दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए, जो उसने एडम को दिया, और एडम ने इसके बदले पीटर की जान बचा ली। यहाँ सभी पीटर को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद गमोरा पीटर और बाकी सभी से विदा लेकर वापस रेवेंजर्स की टीम के पास चली जाती है, क्योंकि उसका मानना था कि पीटर जिस गमोरा को पसंद करता था वो लड़की ये गमोरा नहीं है, और ये बात पीटर भी समझ चुका था। इसलिए वो सभी गार्डियंस से बताता है कि वो पृथ्वी पर अपने नाना के साथ वक्त बिताना चाहता है, क्योंकि इस तरह से भागते भागते वो थक गया है। यहाँ ड्रैक्स और नेबुला गार्डियंस की टीम को छोड़कर हाई एवोल्यूशनरी से छुड़ाए गए बच्चों पर ध्यान देने का फैसला करते हैं, और मेंटिस भी अकेले रहकर अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहती थी। यहाँ पीटर रॉकेट को गार्डियंस का नया कैप्टन
कैप्टन बना देता है। इसके बाद हम पीटर को पृथ्वी पर उसके नाना से मिलते हुए देखते हैं। वो पीटर को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। साथ ही मूवी के आखिरी सीन में हमें गार्डियंस की नई टीम को दिखाया जाता है, जिसमें रॉकेट के अलावा गरुट, क्रैगलिन, कॉस्मोस, एडम और फिला होते हैं। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।